सो दोस्तों, मेरे दोस्त ने मेरे को दो सवाल किए, दोनों ही सवाल बहुत सही थे, बट उनको क्लियर करना बहुत जरूरी है। आई होप आपके दिमाग में भी यह सवाल आया होगा। तो देखो, मेरे दोस्त का कहना यह है, पहला सवाल, कि मेरे पास यह पंखा है, इस पंखे के ऊपर सपोज करो मैं दो पॉइंट लगा दिया, एक पॉइंट मैंने यहां लगाया, एक पॉइंट मैंने यहां लगाया, और मैं इस पंखे को घुमा रहा हूं, तो दोनों पॉइंट एक साथ घूम रहे हैं। जहां अभी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि एक पॉइंट इधर चला गया, एक पॉइंट इधर चला गया आगे पीछे। दूसरा सवाल मेरे दोस्त ने क्या किया कि अगर दो एथलीट भाग रहे हैं और वो जो दो एथलीट भाग रहे हैं वो एक सर्कल में, एक सर्कल में ये वाला एथलीट इस रेस को जीत जा रहा है और ये वाला हार जा रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? इस कहानी को क्लियर करने के लिए मेरे पास दो चीजें हैं। एक, सबसे पहली, कि ये वाले जो एथलीट भाग रहे हैं, ये एथलीट भाग रहे हैं सर्कुलर मोशन के अंदर, और जो पंखा चल रहा है या फिर कोल्लू का बैल भी मैं इसे बोल सकता हूं कि मैंने ये लिया, यहां से भी एक बैल को अटैच किया, यहां से भी एक बैल को अटैच किया, जो बुल कार्ट तुम बोलते हो, और वो भागे जा रही है, दोनों एक ही समय पे पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि ये रोटेशनल मोशन है। रोटेशनल मोशन मतलब क्या? एक्सियल एक्सिस, ये एक एक्सिस के साथ में अटैच है और यहां पर ये सिर्फ एक सेंटर के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो इसका मतलब इनकी स्पीड सेम होगी या ज्यादा होगी, यही जीतने वाला है। बट अगर मैं बात करूं इसकी, इन दोनों में स्पीड का डिफरेंस होगा, बट दोनों सेम ही टाइम पर पहुंचेंगे।